यस, गुड इवनिंग एवरीवन। आज की वीडियो इम्पोर्टेंट उन बच्चों के लिए जो मई 2024 में अपना सीए इंटर का अटेम्प्ट देने वाले हैं। चाहे वो री अपियर होने वाले बच्चे हों, जो रिजल्ट जिनका नहीं हो पाया, या फिर फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट देने वाले हैं मई 2024 में। आपको फ्री बैच प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, जहां पे आपको बुक भी फ्री में मिलेगा, सारे नोट्स फ्री में मिलेंगे, कॉन्सेप्ट की बुक फ्री में मिलेगी, एंड इवन एमसीक्यू की बुक फ्री में मिलेगी। साथ ही में लेक्चर्स वगैरह भी सब चीज यूट्यूब पे फ्री में मिलेगा। ठीक, बैच की रिगार्डिंग डिटेल में आप लोगों को डिस्कस कर देता हूं। यहाँ पे दो सब्जेक्ट को आपको फ्री लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा यूट्यूब पे। सबसे पहले कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, 100 मार्क्स का पेपर है, और जो सेकेंड सब्जेक्ट होगा वो होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये भी 100 मार्क्स का पेपर है। ठीक, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करूं तो 15 जनवरी से आप लोगों का बैच स्टार्ट हो रहा है, एंड बैच खत्म कब होगा तो फेब एंड में बैच खत्म हो जाएगा। ठीक, टोटल जो मोड होगा क्लास का वो रेगुलर नहीं फास्ट ट्रैक मोड होगा। थोड़ा सा हम रेगुलर बैच के तुलना में कम समय में कोशिश करेंगे इसको कंप्लीट करने का, एंड एस्टिमेटेड टाइम जो होगा वो 100 आवर्स टू 110 आवर्स होगा। ठीक है, फास्ट ट्रैक बैच में टाइम कहाँ पे सेव किया जाता है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऐसा नहीं कि कोई भी ऐसा कंसेप्ट जिसमें टाइम बचाया जाता है, पूरी डिटेल में कंसेप्ट पढ़ेंगे, डिटेल में क्वेश्चन करेंगे, लेकिन जो आइडल टाइम होते हैं जैसे कि ब्रेक वगैरह, ये नहीं होता यूट्यूब पे। साथ ही में कोई भी एक्स्ट्रा डिस्कशन नहीं करा जाएगा यूट्यूब पे। ठीक है, यानी कि क्लास आपका कंसेप्ट से स्टार्ट होगा और कंसेप्ट पे ही एंड होगा। पढ़ाई लिखाई से अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा डिस्कशन नहीं करूंगा ड्यूरिंग द क्लास, एंड उससे रिलेटेड जो टाइम बच जाता है वो भी टाइम बचाएंगे। 70-80% क्वेश्चन मैं आपको सोल्व कराऊंगा यूट्यूब पे। अब यहां से होगा क्या, जो 20-30% क्वेश्चन बच गए उसका टाइम सेव हो जाएगा। तो सर, जो 20-30% क्वेश्चन बच गए वो हम कैसे करेंगे? नंबर वन, 20-30% वही क्वेश्चन है जो रिपीटेटिव है, यानी कि ऑलरेडी वो क्वेश्चन मैं करा चुका इन 70-80% में, और उसके सिमिलर वर्जन क्वेश्चन बुक में प्रोवाइड किया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखोगे, मान लो आईसीआई की बुक में कोई क्वेश्चन है एंड सिमिलर क्वेश्चन पास्ट ईयर में भी आया हुआ है, तो हो सकता है दोनों क्वेश्चन आपको बुक में दिख जाए। तो यानी कि अगर आईसीआई की बुक की क्वेश्चन हमने कर लिया तो पास्ट ईयर का वो सिमिलर क्वेश्चन अवॉइड किया जा सकता है, या फिर पास्ट ईयर का कर लिया तो आईसीआई की बुक की सिमिलर क्वेश्चन अवॉइड किया जा सकता है। दो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं बनता। साथ ही में जब भी हम कंसेप्ट पढ़ेंगे तो वहां पे कंसेप्ट में आप ध्यान से देखोगे तो रफली मैं क्या करता हूँ कंसेप्ट पढ़ाते टाइम, एक तो रफली मैं आप लोगों को समझाता हूँ पहले लिखते लिखते, फिर उसके बाद फेयरली उसको उतारता हूँ। तो नोट्स दो बार मैं लिखाता हूँ, एक तो रफली समझाते वक्त और एक बार फेयरली। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, जब मैं समझा रहा हूँ उसी टाइम वन टाइम में ही आपको क्लियर नोट प्रोवाइड कर दूंगा लिख के। ठीक है, तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत टाइम सेव हो जाएगा। क्लास की जो ड्यूरेशन होगी वो 2 घंटे के आसपास का ड्यूरेशन होगा, जिसमें मिनिमम तो 1.5 घंटे का क्लास होगा ही होगा, कई बार 1 घंटे 40 मिनट, 1 घंटे 50 मिनट, कई बार 2 घंटे 10 मिनट के भी आसपास मैक्सिमम जो क्लास होगा वो 2 घंटे ऑन एन एवरेज आप मान के चलना, 1.5 घंटे से ज्यादा 2 घंटे के आसपास का है। ठीक, कवरेज में क्या क्या होगा, तो देखो आईसीआई का नवंबर 2023 तक का जितने भी चीजें हैं, एक तो आईसीआई की फुल सिलेबस कवर्ड है, सारे क्वेश्चन कवर्ड है, पास्ट ईयर के सारे क्वेश्चन कवर्ड है, आरटीपी के क्वेश्चंस कवर्ड है। साथ ही में बुक में मैंने एडिशनल क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस करके दिया हुआ है। एडिशनल क्वेश्चन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो पास्ट ईयर में आए हुए नहीं है, आईसीआई की बुक में भी नहीं है, बट स्टिल इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। हो सकता है किसी आरटीपी में आया हो सकता है कहीं और से मैंने ये मटेरियल लिया हो, है ना, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईसीआई की बुक में या आईसीआई की रिसेंट के एग्जामिनेशन में ना पूछा हुआ क्वेश्चन, लेकिन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। बुक की बात करूं तो एक आपको कॉन्सेप्ट की बुक प्रोवाइड होगा, एक प्रैक्टिकल बुक प्रोवाइड होगा, इसमें क्वेश्चंस होंगे, एंड मैं आपको बता दूं क्वेश्चंस की जो बुक है वो मोर देन सफिशियंट है, यानी कि एक बार ये बुक आप कर लोगे तो आपको कहीं भी कोई और बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत क्वेश्चन मैंने दिया है, मैंने आपको बताया ना कि आईसीआई की पूरी क्वेश्चन, पास्ट ईयर का क्वेश्चन, आरटीपीज, एंड इवन उसके अलावा भी एडिशनल क्वेश्चन है, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। साथ ही मैं क्लास के दौरान मैं नोट्स लिखाऊंगा। अब देखो कंसेप्ट की जो बुक है उसमें यही नोट्स होंगे जो क्लास के दौरान लिखाया है, बट ये प्रिंटेड फॉर्म में होंगे, ये हैंड रिटन होंगे, तो ये भी नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक, क्लास के दौरान जब मैं लिखाऊंगा तो आप भी चीजों को लिखोगे। ये सारे नोट्स आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा,
साथ ही में जब क्लास एंड होगा तो एमसीक्यू भी करेंगे, तो एमसीक्यू से रिलेटेड जो होगा मटेरियल ये भी आपको पीडीएफ फॉर्म में टेलीग्राम पे मिलेगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बातें करूं तो देखो, जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे तो प्रैक्टिकल पोर्शन से क्लास स्टार्ट करेंगे, जिसमें प्रैक्टिकल प्लस प्रैक्टिकल से रिलेटेड थ्योरेटिकल पोर्शन, क्योंकि प्रैक्टिकल करने के लिए हमें कंसेप्ट तो पता ही होना चाहिए, तो कंसेप्ट और प्रैक्टिकल करेंगे। 95% आपकी सिलेबस यहीं पे कवर्ड हो जाएगा। 5% जो सिलेबस है वो कंप्लीट थ्योरी पोर्शन है, जहां से प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं बनते, कंप्लीटली थ्योरी पोर्शन है। ये हम करेंगे लास्ट में, जब प्रैक्टिकल पोर्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एंड एमसीक्यू सबसे लास्ट में करना है, क्योंकि एमसीक्यू बनाने के लिए पूरी सिलेबस का नॉलेज चाहिए। एंड सिलेबस का नॉलेज तो तभी होगा ना जब आप प्रैक्टिकल पोर्शन एंड जो कंप्लीट थ्योरी पोर्शन है दोनों आपका कंप्लीट होगा। तो एमसीक्यू लास्ट में करेंगे। एमसीक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, अगर आपको पूरी बुक पता हो, पूरी सिलेबस पता हो, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो हर एक कंसेप्ट का। तो ठीक, चलो एक बार जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद, तो जब कोर्स फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा तो आपके रिवीजन के लिए, एक तो नए कोर्स के लिए फ्रेश रिवीजन लेक्चर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। रैपिड रिवीजन, क्या फर्क है फ्रेश रिवीजन एंड रैपिड रिवीजन में? देखो, पूरी सिलेबस को रिवाइज करने के लिए 15 से 16 आवर्स लगते हैं, लेकिन उसी को अगर मोस्ट इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट पोर्शन को रिवाइज कराना हो, फटाफट से रिवाइज कराना हो, तो रिवीजन के बाद भी एक लेक्चर प्रोवाइड करूंगा जिसमें 4 घंटे के आसपास में हम पूरी सिलेबस को एक बार फटाक से समरी रिवीजन करेंगे, सुपर क्विक रिवीजन करेंगे। इसमें क्वेश्चंस कम कराए जाएंगे, पर रिवीजन लेक्चर में हर एक चैप्टर से 5 से 6 क्वेश्चंस होते ही होते हैं। रिवीजन लेक्चर में हर एक चैप्टर से 5 से 6 क्वेश्चन होते ही होते हैं। रिवीजन लेक्चर में अगर आप ध्यान से देखोगे तो 80 से 100 क्वेश्चन कवर करता हूं मैं, पर रैपिड रिवीजन में क्वेश्चन बहुत कम होता है, सिर्फ कंसेप्ट और किस ट्रिक पे कौन सा टाइप का क्वेश्चन था इस चीज की रिवीजन किया जाएगा। ठीक, डाउट क्लासेस मैं प्रोवाइड करते रहूंगा बीच बीच में, अगर मुझे लगता है कि क्लास के दौरान या किसी बच्चे को कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है किसी कंसेप्ट में या कोई भी दिक्कत है तो आपको क्या करना है, कॉमेंट करना है। एक मैं आपको WhatsApp नंबर प्रोवाइड कर दूंगा बहुत जल्दी, और वहां पे कमेंट को अगर मुझे लगता है कि वहीं पे आपको आंसर प्रोवाइड कर सकता हूं मैं तो ठीक है, अगर मुझे लगता है कि सेपरेटली एक वीडियो बनानी चाहिए, सेपरेटली उस कंसेप्ट से रिलेटेड या उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मुझे एक क्लास का छोटा सा वीडियो प्रोवाइड करना चाहिए आपको, जिससे आप साथ ही में और भी बच्चे बेनिफिटेड हो, तो उस केस में आपको डाउट क्लासेस से रिगार्डिंग छोटा सा वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। ये भी कहां पे होगा, तो ये भी YouTube पे अपलोड होगा। ठीक, तो मिलता हूं आप लोगों से 15 जनवरी से। ठीक है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के प्री बैच में, बैच भले ही फास्ट ट्रैक मोड में हो लेकिन 100% सिलेबस की कवरेज होगी एंड मोर देन इनफ। एक रेगुलर बैच में आप जितना क्वेश्चन करते हो उतना क्वेश्चन मैं यहाँ पे फास्ट ट्रैक बैच में कराता हूँ, तो उसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक, आपको क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है कि कोई भी अगर नोटिफिकेशन आता है वीडियो से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड, तो आपको मिलता रहेगा। वीडियो को एक लाइक कर दो। मिलता हूँ आप लोगों से 15 जनवरी के लेक्चर में।